Namaskar and you're watching Claptrap. We are back again. Today we'll show you lots of furniture units, especially beds and sofas at very good price. आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुत सही दामों पे beds and sofas. Trust me, आज हम पूरा quality test भी करेंगे. चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर. वेलकम टू Claptrap. बहुत बहुत स्वागत है आपका. वेलकम टू होमेज. आपका भी बहुत 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 स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. तीन साल हो गए हम लोगों को साथ में शूट करते हुए. जो कुछ चीज़ें परमानेंट हैं आपके पास जो कभी नहीं बदली, ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल स्माइल दैट फ्लोस ऑन योर फेस. इसके अलावा आपका जो वॉर्म्थ है वो उतना ही है. और कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, वो है आपका रीच. नाउ यू आर अवेलेबल पैन इंडिया. आपकी डिलीवरी बहुत सक्सेसफुल हो रही है, राइट? आपके डिज़ाइंस हैं वो इम्प्रूव हो गए, क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो गई है. जो आपकी वर्क क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो गई है. एक छोटा सा इंसर्शन देंगे. आई विल टेक माय व्यूअर्स बैक टू द मेमोरी लेंस और याद दिला दें उनको. जब हमने Claptrap स्टार्ट किया था जी, तो हमने काफ़ी सारे सोफ़ाज़ की स्टडी की थी कि सोफ़ाज़ के नाम होते हैं. जैसे रॉयल सोफ़ा है, कार्विंग है, स्ट्रेट लाइन है, कर्वेशस है, लंडन सोफ़ाज़ हैं, टक्सीडो है, कैमल हम बैक है, और ये सारी स्टडी की थी. और हमने आपके पास ही वो वीडियो बनाया था जिसमें एक एक सोफ़ा का डिटेल दिया था. बिल्कुल सर. एवरी सिग्निफिकेंट सोफ़ा हैज़ इट्स ओन प्रेजेंस इन योर लाइफ. सो व्हेन एवर यू आर चूजिंग अ डिज़ाइन, मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग द राइट काइंड ऑफ सोफ़ा. और वो सारे के सारे गाबा ब्रदर्स के पास मिल जाते हैं. बिल्कुल, राइट. चलिए, आप हर तरह का कुछ ना कुछ डिज़ाइन मॉडल्स रखते हैं. जैसे आपके पास कार्विंग भी है, उसमें भी रेजिन एंड वुड, स्ट्रेट लाइन भी है, टक्सीडो भी है, और आपके पास मॉडर्न भी है, कॉन्टेम्प्रेरी भी है, क्लासिकल भी है. तो ये क्या है बेसिकली? यू कीप वेरी फ्यू मॉडल्स बट आपके पास सारे मॉडल्स होते हैं, कैसे करते हैं आप? सबके अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ है सर. किसी को कार्विंग टेक वुड में चाहिए वो हमारे पास है, किसी को फाइबर में चाहिए हमारे पास है जी, किसी को सेवन सीटर एल कॉर्नर, तो वो एक जगह पे डिपेंड करता है. हमारे पास है जगह है तो हम सारा डिस्प्ले दे देते हैं सब कुछ. ठीक है, डन. अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है मार्केट में पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा बढ़ गया है, खासतौर से प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा. हम लोग तो खैर तीन साल से बात करते आ रहे हैं और लोगों को समझाते आ रहे हैं कि प्राइस कैसे मैटर करता है. आप इतना कॉस्ट इफेक्टिव, इतना अच्छे क्वालिटी में कैसे बना पाते हैं? जब भी हम एक प्रोडक्ट लाते हैं, आज वो दुनिया समझ रही है कि मास प्रोडक्शन किसको बोलते हैं. ठीक है, हम इस पे वर्किंग हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं. हमें तीन साल नहीं, शायद हमें बहुत ज़्यादा हो गया आपके साथ जी, चार पाँच साल हो गए हम स्टार्टिंग से हम जुड़े हैं. तो हम स्टार्टिंग से ही मास प्रोडक्शन में बिलीव कर काम करते थे जी. ठीक है, तो उस एक प्रोडक्ट को लेके उसकी क्वांटिटी और तब जाके उसकी कॉस्ट कटिंग होती थी. और प्लस हमारे अपने मार्जिन, बहुत लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं हम. अच्छा, ये आप भी शायद 500 बार सबको बता चुके हैं. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कि जब भी आप होममेड से परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट मत करिए कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नेगोशिएट कर पाएंगे. इसलिए नहीं कि आप बहुत स्टबर्न हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत लो मार्जिन पे ऑलरेडी होममेड फर्नीचर काम करते हैं, इसलिए वो आपको घर में डिलीवर करा पाते हैं. दूसरा, अपना खुद का है, आपके रेंटल्स नहीं है, आपके ओवरहेड कम है, है ना, ये सारी चीजें. दूसरी चीज सर, आपके बेनिफिट के लिए है. अगर हमने कोई प्रोडक्ट एक बना दिया, हम उसका टारगेट रेट आपको एक सेट करके दे रहे हैं, उसके बाद आप पूरी मार्केट घूमिए. हमने एक लाइन, रेट ऑफ लाइन आपको दे दी. बिल्कुल, कि ये रेट, ये एक्चुअल रेट है. इसके बाद अगर कुछ भी होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा क्वालिटी में. चलिए ठीक है, एक और है चर्चा का विषय, शॉर्ट में उसको मैं मेरे दिल की बात कहूँगा, इट्स मोर लाइक मन की बात. तो मैं कहूँगा कि जाहिर सी बात है, आप अंदर स्ट्रक्चर और फोमिंग और फैब्रिक ये सब के बारे में हमारे व्यूअर्स नहीं समझ पाएंगे जी. लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर कर सकते हैं, जब भी आप मिड रेंज का या एंट्री सेगमेंट का या एंट्री लेवल के सोफ़ाज़ को परचेज कर रहे होते हैं, तो आप एक चीज़ तो ज़रूर करें. हमारे व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है, चाहे आप गाबा जी से लें या किसी और से लें, उनको क्लोजली देखें. आपको उनकी ना फिनिशिंग ज़रूर मॉनिटर करनी चाहिए. बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हम खुद करते हैं एक दो जगह, हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं मार्केट में. हम भी जब कहीं जाते हैं तो हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो लो प्राइस में दे रहा है, जो लो प्राइस में अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है. एक चीज़ जो है, जो इंटरनल है वो तो आप नहीं जज कर पाएंगे शायद कभी, लेकिन कोशिश करिए कि आप उनसे पूछें. नहीं तो आप एक बार फिनिशिंग ज़रूर चेक करिए. मसलन ये सोफ़ा जो है, राइट, इसकी आप फिनिशिंग देख लीजिए. अब आपको ये हर तरह के प्राइस रेंज में मिल जाएगा मार्केट में. बिल्कुल, चलिए वी स्टार्टेड रोलिंग नाउ. हम देखेंगे, इससे ही स्टार्ट करते हैं. फिनिशिंग देखिए इसकी कितनी अच्छी है, है ना, बहुत अच्छा है ये मॉडल. इसमें हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? इसके अंदर सर स्ट्रक्चर मरिंडी का हुआ है, और साइजेस की बात है 2.5, 3, 1 जो भी जहाँ पे यूज होता है वो हमने इसके अंदर लगाया हुआ है. अच्छा, प्लस प्लाई की जहाँ जरूरत है वो भी लगी हुई है. अच्छा, अब आई फैब्रिक की बात, नॉन शेडेड
वो फैब्रिक आजकल चल रहा है, तो हर समय के साथ वो चीजें चेंज होती रहती है। अब इसके अंदर वो है तो वो लगा दिया गया, ठीक बात है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग, लाइनिंग, हर चीज बिल्कुल बहुत अच्छी है, क्लियरेंस अच्छी है, वो वर्कमैनशिप पता चल जाती है। और दूसरी चीज, हमने इसको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव किया, बहुत ही कम रेंज के अंदर, जो एक्चुअल मार्केट में 65,000, 75,000, 80,000 बहुत सारे पैकेज के अंदर ऐसे मिल रहा था, ठीक है। तो हमने इसका रेट कम किया, तो लोगों को लगेगा यार क्वालिटी के साथ जरूर कोई कॉम्प्रोमाइज किया, हमने वो भी नहीं किया, हमने इसको क्वालिटी और इम्प्रूव कर दी। अब तक हम ड्रीम के कुशन यूज करते थे, हमने इसके अंदर फैदर फोम डाल दिया। ओके, ये उससे थोड़े महंगे होते हैं, बिल्कुल, मगर फिर भी हमने सेम बराबर है सर, फिर भी हमने इसको कॉस्ट, ताकि ये ना लगे कि ये इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं, शायद क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, मगर हमने वो भी नहीं किया, हमने ये चीज़ों को जो हम कमिट करते हैं वो हम सब प्रूव भी करने की पावर रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं जी। हमको बताना होगा वो सब, मरिंडी का साइज़ स्ट्रक्चर वो सब भी हम दिखा पाएं। एनी डे यू कैन कम एंड टेयर इट ऑफ द सोफा एंड यू कैन चेक आउट, आप खोल के देख सकते हैं, बिल्कुल। एक चीज़ इसमें आपने बहुत अलग की है, जो हम अक्सर हमारे वीडियोज़ में जो हमारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स हैं वो देखते रहे होंगे, हम बात करते हैं कि जब भी मेटल स्ट्रिप होती हैं वो एडेसिव से चिपकाई जाती हैं लो रेंज में, तो वो डेफिनेटली वो उतर जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड सस्पेंशन होता है मेटल का, जो आपका एडेसिव है वो रिएक्ट करता है। सब जगह रिपीट लगानी पॉसिबल नहीं थी, बेड में रिपीट नहीं लग सकती जी, सोफे में लग सकती थी, हमने लगा दी है। इससे जो है क्या होता है, इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो एक ब्यूटीफुल वेव क्रिएट हो गया इसमें, और इसके अलावा इसकी लाइफ बढ़ गई। क्या आपका क्या कहना है इस बारे में कि जो रिपीट लगाया, बिल्कुल, क्योंकि ये इन फ्यूचर को भी हमने देखना है कि वो निकलने के थोड़े चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर रिपीट लगा के थोड़ा सा कर्व किया। अच्छा, चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेट लाइन की जगह हो सकता है ये प्रेफर करें, आई लाइक दिस बिकॉज बहुत सारे वेव्स क्रिएट हो रहे हैं एंड बहुत एक एलिगेंट वेव क्रिएट हो रहा है, एंड मोर देन दैट इसके अंदर आपको रिपीट देखने को मिल रहे हैं, ताकि आपकी सोफा की लाइफ बढ़ गई। अब इसका प्राइस आप हमें बताएंगे, मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस हम बता चुके हैं सर। अब जो हमारा ऑफर प्राइस है डिस्काउंट कैशबैक सब कुछ करके 45,800 विदाउट जीएसटी एंड विदाउट ट्रांसपोर्टेशन 45,800 रुपीज़, बिल्कुल अब तक का अनबिलीवेबल प्राइस है दुनिया में कोई नहीं। नंबर ऑफ सीटर्स भी बता दीजिए साथ में, अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लोग पुराने प्राइस से कंपेयर करेंगे। 3+2+2 7 सीटर विदाउट सेंटर टेबल 7 सीटर सोफा प्राइस इन 45,800। चलिए, यू स्टार्टेड सेलिंग बॉम्ब एंड द साउंड इज गोइंग टू रिमेन एट लीस्ट थ्रू आउट दिस वीडियो। ओके, वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगला देखते हैं। एंड दिस इज द सोफा नंबर 2। ये वाला जो सोफा है, क्योंकि आपके पास डिफाइन कर रहे थे हम, तो उस सोफा को हम डिफाइन करें अगर, तो लग्जरी सेगमेंट का एक सोफा है, जो हाई ग्लॉस घर बनाते हैं उनको मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो वाला सोफा ले लें। इसमें कलर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, बेज ब्राउन का कलर कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप मेरे जैसे थोड़े से यू हैव लिटिल साइकोटिक डिसऑर्डर्स, तो प्रॉब्ली यू कैन प्ले विद अदर कलर्स ऑल्सो, जैसे डार्क कलर पे आप रेड अंदर बेज, रेड एंड ग्रे, दीज काइंड ऑफ कलर्स यू कैन प्ले इन केस यू आर प्लानिंग अ स्टूडियो काइंड ऑफ अ हाउस, अदरवाइज यू कैन गो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में, दिस इज अ वेरी गुड चॉइस। मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, दिस इज स्ट्रेट लाइन यूरोपियन सोफा, वेरी फेमस इन वेब सीरीज कॉल्ड फ्रेंच, उनके पास ये काउच है, ये क्लासिकल लंदन सोफा है और ये हमेशा चलता है, दिस इज दैट एज जो आपका जो सिंपल एलिगेंट एंड क्लासी जो लोग पसंद करते हैं उनको ये लेना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत कम जगह रोकने के लिए, बहुत स्लीक से इसके आर्म्स हैं, छोटा सा उसके अंदर डबल आर्म्स का काम किया, कुशन इसके फिक्स हैं और जंप भी अच्छा है, स्पोर्ट भी अच्छी है, मतलब कुशन अलग से नहीं है, दोनों चीजों में कंफर्ट मिलेगा, सीट में भी और बैक में भी। अच्छा, ये इसका प्लस पॉइंट है। चलिए, आप इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देंगे, हम इसका एस्थेटिक स्पेसिफिकेशन दे दें। इस तरह के जो सोफाज होते हैं वो थोड़ा सा, अगर आपके पास बहुत, इसको आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर माय व्यूअर्स, अगर आपका इंटीरियर बहुत हैवी है तो आप नहीं चाहते कि आप और हैवी ऐड करें तो ये ले लें, और अगर आपको लगता है कि आपका इंटीरियर आप थ्रू आउट सटल रखना चाहते हैं तो आप इसको ले लें, तो हर चीज़ सटल हो जाएगी, अदरवाइज वो जो पहले सोफा देखा था वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, राइट? इसलिए ये आपके डिज़ाइन में ना, आपके सटलनेस में आराम से मर्ज हो जाएगा, सिंपल सोबर एंड आई थिंक क्यूट। आज से 4-5 साल पहले हम आपको समझाते थे ये कुशन में क्या, आज आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है वो आप समझाते हो कि ये कौन सा स्टाइल है और क्या चीज़ है। नहीं सर, वो तो, और आज आपका दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, वेरी हम्बली, दिस वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट एंड पीपल लाइक यू,
अदरवाइज क्लैप्टर वॉज नथिंग और इनफैक्ट वी आर नथिंग विदाउट यू. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, इसका प्राइस हम गाबा जी को फोन करिए, वो बता देंगे आपको. ठीक है, वी आर कीपिंग फ्यू सीक्रेट्स. मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, ये दिखा दें. बिल्कुल सर. अच्छा, अब ये थर्ड काइंड ऑफ, ये हमारा एक हमारा ये क्लासिकल स्टाइल का सोफ़ा है जिसमें आपको क्लासिकल फिनिश चेस्टरफील्ड है. मैं क्रिएटिव दे दूं या पहले? अरे आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है सर. नहीं नहीं, क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो ये तो मैं पहले भी बोलता था क्योंकि हम थोड़ा स्टडी करते हैं. हाँ, तो मतलब आपके पास, बट आप पहले टेक्निकल बताएं. ज्ञान की दुनिया आपके पास बहुत ज़्यादा है, मेरे से भी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा समझाएंगे. टेक्निकल तो आप ज़्यादा जानते हैं, आई डोंट नो, आप बताएं. ये मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग बता सकता हूँ हमने कैसे बनाया. ठीक है, ये टीक वुड के अंदर इसकी लेग्स लगी हुई हैं. अच्छा, जो इसकी है अंदर का स्ट्रक्चर इसका मरिंडी का है. ठीक है, और फैब्रिक नॉन शेडेड अपना सॉफ्ट वेलवेट है, प्लस पैच वर्क का काम किया गया है जी. और बाकी अपना प्राइस, ये डिस्काउंट के अंदर चल रहा है 75,800 इसका वैसे प्राइस था, 10,000 का डिस्काउंट करके 65,800 का भी विदाउट GST एंड विदाउट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है. ओके, जब भी गाबा जी माइक अपने पास निकाल लें और फिर इसमें बोलें तो आप समझ जाइए कि इनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ये प्राइस कोई और नहीं दे सकता. बिल्कुल, आई शेयर, कोई ना कोई ब्लास्ट होने वाला है. अच्छा ठीक है, आई कम बैक टू दिस. आई हैव सीन दिस सोफा इन डिफरेंट वर्जन्स. इट्स ए क्लासिकल स्टाइल ऑफ सोफा उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन और मॉडर्न घर नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा क्लासिकल थीम रख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये. और एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा हैवी कार्विंग नहीं लेना चाह रहे, उनको लेना होगा. इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने होंगे आपको, कि आप इसको चेस्टरफील्ड में रख रहे हैं, ये फॉर्मल सीटिंग के लिए है, ये आपका लिविंग रूम के लिए नहीं है जहाँ बैठ के आप टीवी देखते हैं, ये उसके लिए जहाँ पे आपके खास गेस्ट आते हैं उनके साथ बैठते हैं. दूसरा, आप जब भी इनके कर्टेंस ड्रेप्स एंड कारपेट्स लें तो कलर कोऑर्डिनेशन में ले लें और सारे सटल सिंपल टोन में रखें. इनके साथ जो कारपेट की जो मिस्टेक लोग कर रहे हैं वो ये होता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल प्रिंट के कारपेट रखते हैं, वो कभी नहीं करना है. इसमें तो आप प्लेन रखें या फिर आप थोड़े से क्रिएटिव एस्थेटिक्स फ्लावर वाले ऐसे रखें. इनमें लगने वाली लाइट्स भी थोड़ी सी क्लासिकल स्टाइल की रखें. इनके लगने वाले वॉलपेपर्स हैं वो भी क्लासिकल स्टाइल के लें. अपने वॉलपेपर डिज़ाइनर्स को बोलें, वो आपको सही राय देंगे इसके बारे में. और साइड टेबल्स अगर आपको मिल जाएं साहबा जी के पास तो पूछें. जी बिल्कुल मिल जाएंगी, हम अरेंज कर देंगे, बनवा देंगे. चलिए इंशाल्लाह आपको साइड टेबल्स भी मिल जाएंगी, यहाँ से वो ले सकते हैं आप. चलिए, और ये जो टेबल है ये इसके साथ नहीं है, प्राइस आपने हमें बता दिया 65,800 3+2+2 7 सीटर विदाउट सेंटर टेबल. अच्छा चलिए, राउंड आर्म्स हैं, कर्वेशियस राउंड आर्म, बड़ा अच्छा है ये भी. एक हमारा लास्ट टाइम सोफ़ा काफ़ी हिट गया था, एक बार ज़रा सी नज़र मनवा दिखा देते हैं. ज़रा सा क्यों, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेज आई हैव सीन. बिल्कुल, ये हम पहले वीडियो में कर चुके हैं इसलिए तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे. अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो ये मेरे ख्याल में फिर से एक बार बूम मारेगा. पहले भी बहुत अच्छा गया. बिल्कुल सर, क्या लोगों ने रिस्पॉन्स दिया इसको? अच्छा चला, सेम एज इट इज़ बहुत कम चलते हैं, ये सेम चलता है. अच्छा ठीक है, तो सोफ़ा नंबर वन जो हमने दिखाया था ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के घर बना रहे हैं, जो थोड़ा सा ब्लिंग शाइन और इटालियन मार्बल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा है. ये अगर आप वन का चूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला भी देख सकते हैं, मतलब क्लासिकल से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये ग्लॉसी और हाई ग्लॉस वालों में आता है. मैं इसका भी रेट का ब्लास्ट कर दूं अगर आप? हाँ, कर दीजिए, प्लीज़ गो अहेड, प्लीज़ गो अहेड, कर दूं सर? बिल्कुल कर दीजिए. रेट भी ऐसा दे दें सर, 44,800 7 सीटर विदाउट सेंटर टेबल, 44, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट. 44,000 रुपीस में आपको मिल जाएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 54 से हम टैग भी दिखा देते हैं आपको, 54 से 48 पे लेके आए, 48 से 44 पे ले आए हैं. ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये. अब हमें एक डाउट आ रहा है तो वो हमारे व्यूअर्स को बता दें कि हमारे को तो लाइव दिख रहा है इसलिए पता है, स्केल्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डेप्थ लेंथ बता दें. क्योंकि गावा जी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं इनको ना वो क्या कहते हैं, मतलब इफ़ आई मे से सो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि ऑरेंजेस की जगह पे नींबू देने वाली बात भी होती है फर्नीचर इंडस्ट्री में. समझ रहे हैं मेरा कहने का क्या मतलब है? एक ऑरेंज का एक साइज़ होता है ना जैसे संतरे का, बिल्कुल, बिल्कुल. और वो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपको नींबू मिल गया. तो यानी कि स्केल्स कम कर देते हैं लोग, तो आप प्लीज़ स्केल मुझे एक बार बता दें कि क्या साइज़ होगा अप्रॉक्सीमेटली इसका यहाँ से वहाँ तक. ये 7 फुट एक स्टैंडर्ड है सर, 7 से ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं है. 5 फुट के आसपास 2 सीटर का साइज़ है, इससे ज़्यादा ही या कम नहीं होगा. ओके ठीक है, दो लोग आराम से, जितने लोगों को कंफर्टेबल जगह चाहिए उतनी मिल जाती है. अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 feet एक बंदे को जगह चाहिए होती है, उसकी डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 36 inches चाहिए होती है एक कंफर्ट के लिए. इसका क्या अप्रॉक्सीमेट डेप्थ होगा?
इसका 35 और 34, 35 इंच के आसपास इसकी डेप्थ है, 44 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियरेंस है। चलिए ठीक है, अब आपको ये चीज़ें 34 इंच के आसपास यहाँ तक है, जिसके 36 के कम गेट के साइज हों वो प्लीज़ ये भी नोट करें, एक बार चेक जरूर करें। ठीक है, आपका जो डोर साइज़ है वो भी चेक कर लें, यानी कि ये जो है अगर आप इसमें आगे एज पे बैठना चाहें तो एज पे बैठ सकते हैं, क्योंकि जिन सोफ़ास की डेप्थ ज़्यादा होती है उनमें ना लोग आगे एज पे बैठते हैं। इतना टेक्निकल मेरे ख्याल से हम बताते हैं, यही चीज़ है जो हमें हमारे लोगों को, हमारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स को अच्छी लगती है कि हम इतना टेक्निकल बताते हैं। शॉर्ट हाइटेड लोग जो हैं वो आगे बैठ सकते हैं, टॉल हाइटेड लोग जो है वो पीछे तक बैठ सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सोफ़ा, एंड ट्रस्ट मी देर आर सर्टन थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू बाइंग योर फर्नीचर यूनिट। अगर ये बेसिक आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी मतलब डिज़ाइन तो छोड़ दीजिए, आपके एर्गोनॉमिक्स कभी ठीक नहीं होंगे अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी। तो याद रखें, जो डेप्थ वाले सोफ़ाज होते हैं, दैट्स एनी डे सेफर देन द लेसर डेप्थ। और लोग जो कॉस्ट इफेक्टिव करते हैं वो इसको छोटा कर देते हैं। आज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ भड़ास इन मी, मैं निकाल दूंगा सारे। हमारी जब की बात हुई थी हम बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे, चलिए ठीक है, सिर्फ हम प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाएंगे, ज़्यादा कितने का है ये? ये सर बताया तो अभी ब्लास्ट किया था ना सर, अच्छा ब्लास्ट किया था। 42,800 विदाउट सेंटर टेबल, विदाउट जीएसटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के हमने दो यूनिट देखे, क्लासिकल हमने एक देखा और एक हमने और सेमी क्लासिकल देखा, है ना, एक विक्टोरियन स्टाइल का देखा। अब एक नया सोफ़ा है जो अभी एंट्री किया है और गावा जी बताएंगे कि ये क्या सोच के बनाया था अपन ने। ये टू सीटर कैसे है, ये इनकम्प्लीट लग रहा है। अभी सर आपके वेलकम के लिए हमने मंगवाया था, अभी ये थोड़ी देर में एक दो घंटे लेट आता। ओके, यू वांट मी टू सिट ऑन दिस? और अच्छा फिर वीडियो नहीं बन पाएगा, बट आई लाइक डेट ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये आने वाले टाइम का मुझे मैं सच बताऊं, पता क्या है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। वीडियो तो इसका दो दिन बाद बन जाता, सिर्फ एक टू सीटर मैंने इसलिए बनाया था कि आप डिफाइन अच्छी तरह कर सकते हैं इसको। हाँ, मुझे एक्चुअली जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि क्लासिकल आप तो ऑफकोर्स आप मुझसे अच्छा डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन देखिए बैक एंड आर्म रेस्ट में ना तीन तरह की सेटिंग होती है। एक जहाँ पे आपका बैक और आर्म्स बराबर लेवल पे होता है, एक वो होता है जहाँ पे आपके बैक बड़ी होती है, आर्म्स छोटी होती है। दिस इज़ द थर्ड मोस्ट कन्वीनियंट सेटिंग, ये आपको देखना होगा। स्पेशली जो लोग टॉल लोग हैं उनको ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो बैक है स्लोली एर्गोनॉमिक्स नीचे की तरफ आते हैं, जो स्लांट है। सो दिस इज़ द थर्ड वे ऑफ योर बैक। बिल्कुल सर, जैसे आप देखें ना बाकी जगहों पर ऐसा नहीं होता है, तो बैक बड़ा होता है, आर्म्स छोटे होते हैं, लेकिन ये लिविंग रूम ड्राइंग रूम दोनों जगह के लिए बहुत अच्छा सोफ़ा है। और मैं आपको बताऊं, ये सोफ़ा आई थिंक दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इसके बेज वेज के कलर्स में आप बना रहे हैं ऑलरेडी, वो सारे बहुत अच्छे दिखेंगे। इसकी प्लीट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मैंने भी इसको हमारी मेहनत सफल हो जाती है जब आप इसके बारे में इसकी डिटेल बताते हैं। बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी नाइस। नहीं, ट्रस्ट मी, यू हैव डन वंडरफुल जॉब। और जो है, आई एम नो बडी टू जज, आप बेस्ट जज हैं, तो आपकी, यू आर वेरी पोलाइट, पर मुझे अच्छा लगा ये। और सिंगल पीस जो होते हैं, जो विजुअली अगर आप देखें डबल पीस की जगह, थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाइंग तो ज़रूर लगते हैं, बट दिखने में ना ये ज़्यादा आपको कंफर्टेबल दिखाई देंगे, क्योंकि सिंगल पीस आपका कुशन होता है, राइट? ठीक है, और एक्स्ट्रा कंफर्ट देंगे ये। इसको बेजमेंट भी ट्राई कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल सर, थोड़ा सा ये था कि हाथ लगने से फिंगर के उसके निशान या थोड़े से, हमने अभी फिलहाल डिस्प्ले का पीस है तो इसलिए हमने थोड़ा डार्क कलर में बनाया। अच्छा, इन फ्यूचर बहुत सारे कलर में मिल जाएगा ये। बिल्कुल, चलिए ठीक है। इसकी जो प्लीट्स है ना, डोंट गेट स्केयर्ड, दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट, बहुत अच्छा है ये। प्राइस डिस्क्लोज इसका अभी होगा या विल वेट फॉर द राइट टाइम? विल वेट फॉर द राइट टाइम। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद गावा जी। विदाउट कट किया हम एक ब्लास्ट और कर दें सर। हाँ प्लीज गो अहेड। ये 90,000 से सोफा शुरू हुआ था सर, 3+2+2। आपके यहाँ से या कि मार्केट सब जगह से? मतलब मार्केट में तो लाख रुपए से भी हुआ होगा। अच्छा, आज हम इस प्राइस में दे रहे हैं आपको सर। ये रेजिन में है, है ना? बिल्कुल सर। ओके, ऑल राइट। अब हम इसके अलग अलग कलर्स देखते रहे अपने पास, और बेज के साथ ब्राउन में ट्राई किया। ये क्या गोल्ड किया हमने? शैंपेन था पहले आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, गोल्ड के साथ एंटीक पॉलिश है। चलिए ठीक है, ये हम अक्सर बताते हैं ये वेनेशियन सोफ़ा है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा हैवी बल्कि क्लासिकल थीम में परचेज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए। बैक इसका हाई है, राउंड आर्म्स हैं, थिक है, इसको एवरीबडी नोज, आपके पास तो अक्सर रहते हैं अलग अलग डिजाइन। बिल्कुल, इसमें लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं फैब्रिक को लेकर, थोड़े बहुत कलर कोई अगर चेंज कराना चाहे वो हो सकता है। पॉलिश में?
नहीं, पॉलिश लगभग सेम रहती है। अच्छा चलिए ठीक है, क्या प्राइस है इसका? 52,800 फोर सेवन सीटर, 3+2+2। ओके पहले आपने क्या प्राइस बताया था इसका, मतलब नॉट इन दिस वीडियो, 80, 90, 70, 60, मतलब काउंटिंग चल रही है इसकी। सो दिस इज नाउ अवेलेबल एट 52,800, 52,000। ये डिस्काउंट कैशबैक सब किया हुआ है इसके अंदर, ये अब आफ्टर डिस्काउंट है। चलिए ठीक है, 52,000 कुछ बताया, बिल्कुल 52,800 जी सर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगला देखिए सेक्शन में ये क्या हो रहा है, कुछ जा रहा है कहीं? जी बिल्कुल सर। कहाँ पे जा रहा है मुझे आइडिया नहीं है सर, बाकी लोगों को। अच्छा वो टीम को बता होगा। ये बेड है जो पैक हो गया है जी, इस तरह से बेड जो है वो पैक होकर जाते हैं जी। चलिए यू हैव बीन शेलिंग बॉम्ब, आपने काफ़ी सारे बॉम्ब गिराए आज, एक और दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को क्विकली। मिसाइल गिरा देते हैं सर। अच्छा आजकल यूक्रेन वाली मिसाइलें बहुत चल रही हैं जी, बताइए। ये मेटेलिक कलर के अंदर बेड है, सिल्वर मेटेलिक कलर। अच्छा और मेटेलिक की पहचान क्या होती है, बहुत सारे लोग मेटेलिक करते हैं, इसके अंदर स्पार्कल की फिनिश आती है। ऑलराइट ठीक है, ये बनाया है हमारा जो मटेरियल वो बता दें हमारे व्यूअर्स को, क्या मटेरियल में बनाया आपने? ये 19mm बोर्ड प्लस 18mm प्लाई दोनों के अंदर यूज है सर। अच्छा ठीक है, 18mm प्लाई के अंदर इसके जो इसकी हेड साइड है ये बने हुए हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है और कोई भी इसके अंदर सनमाइका वगैरह लेमिनेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी क्लियरेंस है। अच्छा क्लियरेंस के लिए हम ये सब यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी अब बात आ गई जिसके लिए हमने इसको सोफे वाले वीडियो में डलवाया, प्राइस। अच्छा क्या प्राइस है इसका? 30,800, 30,800 रुपये। इधर उधर के वीडियो किसी के भी ऊपर छत के किसी भी चैनल के या कहीं के भी वीडियो देखने के बाद आप कोई भी ट्रस्ट करके, हाँ रिस्क लूँ ना लूँ, ट्रस्टेड ब्रांड होमेज पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बड़े अपडेटेड रहते हैं ऐसे मार्केट में, आप हम तो देख ही नहीं पाते इस रेट में हमने किसी भी बहुत सारे चैनल आते हैं छत पे, क्या मतलब मैं समझा नहीं, मतलब बहुत सारे आजकल वीडियो बन जाते हैं, कोई दुनिया के किसी कोने में बैठा है, पता चले वो आपका एडवांस लेके भाग रहा है, आप उस पे ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे। ओके ओके, वो प्राइस थोड़ा सा कंपेयर जरूर होगा, 2,000 रुपए सस्ता भी हो सकता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास वो सब कुछ अवेलेबल है। क्वालिटी मैटर करती है, मुझे तो नहीं लगता किसी इंसान में वो कैपेसिटी है कि किसी भी फर्नीचर यूनिट को वो आराम से नॉन फर्नीचर मैन्युफैक्चरर उसकी क्वालिटी जज कर पाए। दिस इज माय गारंटी, नॉट इवन वन सिंगल पर्सन बॉर्न ऑन दिस अर्थ हु कैन टेल यू द प्राइस अनलेस ही इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारे लोगों के लिए क्वालिटी मैटर नहीं करती, मगर ठीक है हम एक रेट ऑफ लाइन पे चलते हैं, हम क्वालिटी विद रेट दोनों पे काम करते हैं। चलिए सो दिस इज अवेलेबल फॉर 35,800 रुपीज ओनली। नहीं सर, नहीं सर, 35 नहीं, सो 30,800, 30,800। ओके 30,800 रुपीज में ये आपको बैठ जाएगा। किसी भी कोई और चैनल देखने की जरूरत नहीं है, हम अपना आपको हमारे चैनल पे भी ये मिलेगा। चलिए जब भी अब हम बेड दिखाते जाते हैं, कुछ हमारे पास वो क्लासिकल डिजाइन में थे, ये भी एक सेमी क्लासिकल है, मॉडर्न में चले। हाँ जी सर, ये सारे एक बार दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। मेरे राइट में बहुत अच्छा है एंड दिस इज लग्जरी सेगमेंट। अब सिर्फ सेगमेंट बता दें, प्राइस के लिए आप गावा जी को फ़ोन कर लीजिएगा। ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का मॉडर्न बेड है ना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, वो भी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का है बट कॉम्पैक्ट है, थोड़ा छोटा है फॉर द पीपल दोज हू हैव कॉम्पैक्ट बेडरूम्स और मास्टर बेडरूम अवॉइड कर रहे हैं उनके लिए। जहाँ गावा जी को ठीक लगेगा वो आपको प्राइस बता देंगे। जी बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, ये भी नया एंट्री है? नहीं पहले किया होगा सर अपने वीडियो। अच्छा डन, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, ये भी मास्टर बेडरूम का है क्योंकि इसमें दो साइड टेबल है। दूसरा सर ऐसा नहीं है कि मतलब एक बेड इस रेट में होगा, अप्रोक्स एक बेड से एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह का रेट चल रहा है, क्या सेगमेंट है, क्या ऑफर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी आपको मैं बता देता हूँ, 35,800 का ये बेड है। ओके 35,800 रुपीज, बिल्कुल ओके ठीक है। ये व्हाइट वाला जो है, ये जो व्हाइट थीम लोग प्रेफर करते हैं, ये लास्ट टाइम हमने किया था। जी बिल्कुल, ये सारे हम कर चुके हैं तो इसकी हम इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे। बिल्कुल बट एक बार हम दिखा देते हैं, ये सारे हैं अवेलेबल। बिल्कुल दिस इज गुड, ये इसकी डिटेल तो आप बता दीजिए हमें थोड़ा सा। लार्ज साइज बेड है पूरा, चेस्टरफील्ड के अंदर है सर, 9.5 फुट के आसपास इसकी सिंगल हेड बोर्ड है इसका, राउंड इसकी साइड टेबल है और हाफ इसके अंदर छोटा सा पोर्शन है कि कुशनिंग का, वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है अलग। अच्छा डन, इसका प्राइस बनता है वो ऑन कॉल। अच्छा ठीक है, हालांकि किसी ने स्टिकर देख लिया होगा अलग बात है वो दैट इज योर लक, अगर आपने देख लिया है तो आपको मिल जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे दिखाने की। आई विल ट्राई टू कंसील दैट इफ यू वांट मी टू। ओके डन, नो प्रॉब्लम। साइड टेबल्स आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, राउंड पैटर्न में है क्योंकि ये कर्वेशियस। मगर सर डिस्काउंट भी होता है सर, इस स्टिकर के बाद डिस्काउंट है
तभी तो हम नेट प्राइस बता रहे हैं, इसलिए तो हमारी जरूरत है। ओके ओके, मतलब इसके बाद में भी डिस्काउंट है? बिल्कुल है। ऑलराइट, गोइंग बैक टू द सेम अगेन, ये भी ओके, मूविंग टू फास्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। चलो मैं फिर भी आपको एक और दिखाता हूँ, उसकी साइड टेबल शायद पैक पड़ी है, ठीक है। रेट बता देते हैं इसका, विद साइड टेबल 32,800। वेरी प्राउडली गावाजी सिंह, एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत अच्छा है। विद बॉक्सेज है, लेमिनेशन नहीं है इसके अंदर, बट बेसिक अस्तर करके आपको मिल जाएगा, बेसिक पॉलिश है, पेंट किया हुआ, और वो बिल्कुल ऐसा पेंट किया हुआ है कि लेमिनेशन, आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे लेमिनेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। लेट मी फील, वही तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि काम ही ऐसा किया हुआ है। लेट मी चेक, हाँ काफ़ी हद तक अच्छा है ये। इसमें भी दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है बेसिक अस्तर, एक होता है पेंट, एक होता है लेमिनेशन, फिर एक होता है विनियर्स, इसके अलावा मॉडलों में भी चले जाते हैं। चलिए, दिस इज लुकिंग वेरी स्मार्ट, अच्छा दिख रहा है ये भी। एंड विद साइड टेबल आपने प्राइस बताया ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल 32,800। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, जो मतलब लग्जरी चाह रहे हैं, छोटा चाह रहे हैं, उनके लिए ये है। ऑल राइट, डन, अब दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या है गाबा जी? डाइनिंग सेट है सर, सोफा, बेड, डाइनिंग सेट जी, जी 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 बिल्कुल। ऑल राइट, डन, time to say goodbye. Before we sign out, once again we remind that all the products that you getting to see on screen, they are available for Pan India delivery. bahut zyada scope nahi hai, bahut zyada kya aap to bola, there's no scope to bargain, hai na? bilkul. chaliye, thank you very much for making these things available for our Clafter family members. bilkul sir. anything else? dhanyawad. aapka bhi bahut bahut dhanyawad.